अगर इतनी अगर बैरिकेडिंग आप हॉस्पिटल की करते हैं, अगर उसकी सही से जांच करके दोषियों को गिरफ्तार कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये स्थिति नहीं आती। वो दोषी और वो दरिंदे आज जेल की सड़क में होते महिलाएं अगर महिलाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है तो पुलिस बल उनके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रही है, उनको रोक रही है। यही अगर ये सरकार और ये प्रशासन उन बच्चियों के साथ जिनके बलात्कार हो रहे, पूरे देश में आज बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से एक मौलवी ने चार नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करा, तस्लीम का केस हुआ उसमें उसकी हत्या कर दी गई, ISBT में पांच लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंग रेप करा, हरिद्वार में गैंग रेप हुआ, चंपावत में गैंग रेप हुआ, वहां पे अगर ये इतने एक्टिव तरीके से काम करते तो मुझे लगता है कि इस देवभूमि की लड़कियों को आज अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होना पड़ता। सरकार का काम है प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर इनका ठीक से काम करे, प्रदेश में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है वो कम हो। आज हम लोग अपनी बात को शांतिपूर्वक से रखने के लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से आज हमारे साथ व्यवहार करा ये साबित करता है कि ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन जब बेटियों को सुरक्षा देने की बात आती है तो ये उसके खिलाफ खड़ी रहती है। बड़े अफसोस की बात है कि रुद्रपुर का जो विधायक है शिव अरोड़ा, उनका परसों में एक स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने बोला है कि अगर एक मौलवी ने रेप करा है तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म किसी जाति के साथ नहीं है, वो हर धर्म हर जाति किसी भी जाति और किसी भी धर्म की अगर लड़की के साथ बलात्कार होगा तो सड़कों पे मिलेगी, लेकिन यहाँ का रुद्रपुर का विधायक क्या काम कर रहा है उसको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। उनको अगर इतनी सुरक्षा की चिंता अपनी देवभूमि की बेटियों की, आए आज हमारे प्रदर्शन में शामिल हो और सरकार और प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो। Yeah.
भाजपा सरकार की पुलिस आई है, भाजपा का सत्ताधारी शासन चल रहा है, समय महिला हो कि महिला को नहीं समझ रही है, समझ क्या हो रहा है नगर पुलिस क्या हो गया आपके। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया है। सुबह मनोज कत्याल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैडम आप शांतिपूर्ण क्या करना चाहते हैं, हमने कहा गेट पे दड़ी बिछा सभी महिलाएं बैठी हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आई है, उनके नेतृत्व में वो बात करेंगी। उन्होंने बोला ठीक है आप आने जाने की जगह रखना, आराम से बैठना। और आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं के आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी, दो दो तीन तीन बैरिकेटिंग करी है। इतनी ही सावधानी गुंडाओं को सजा देने में रखते तो आज ये समय नहीं आता। और आज हमारी मैडम प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो महिला पुलिस और पुलिस ने जिस तरह से डंडा मारा आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने अपने घुटनों को मेरे पेट में फंसा के मारने की कोशिश करी, इतना अगर ये लोग अरविंद अपराधियों को पकड़ने में उनको सजा देने में सतर्क रहते तो मुझे इस प्रदेश में इस तरीके से बलात्कार की घटना होगी। जो पुलिस प्रशासन ने चाहे वो महिला पुलिस है चाहे मेल पुलिस है जिस तरीके का व्यवहार आज हमारी महिलाओं के साथ मेरे साथ करा, मुझे शर्म आती है कि हम इस देवभूमि में हैं और देवभूमि की बेटियों के साथ इस तरीके का रवैया भाजपा की सरकार पुष्कर धामी की पुलिस कर रही है। क्या आपको पुलिस वालों ने भी मारा है? हाथ नहीं लगा सकती न किसी भी तरीके से उसको लगाया सकती, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग पुलिस तो आगे जाने नहीं दी, आगे कर रहे हैं नहीं करिए ब्रेक, ये हटा दे अभी हम बताएंगे हम क्या करते हैं, बस ये हटा दे अपने यहाँ से ताम झाम अभी बताएं इनको तो देख सकते हैं आप होशी से लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।